कर पाएंगे। फिर तो लगेगा ठीक है उठाया चला गया, नहीं, जागरूकता पूर्वक जियो, खाना पीना उठना बैठना सोना बोलना चालना। कोई किसी ने आज अपमान दे दिया तो ऐसे ही मत समझो ठीक है हो गया हो गया, नहीं, समझो कि हम जो संबंधों से घिरे हुए रहते हैं कभी निमित्त बनते हैं तो प्रशंसा मिलती है, कभी निमित्त मिलते हैं, कभी निमित्त ऐसे बनते हैं कि उपेक्षा मिल जाया करती है, अर्थात व्यक्ति का मूल्य नहीं है, न मेरा मूल्य है, न अगले का मूल्य है, मूल्य है निमित्तों का। तो हम निमित्त प्रधान जीवन जीते हैं तो मेरा संबंध उससे है या निमित्तों से है? अगर निमित्तों से है तो निमित्त तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, और उससे है तो निमित्तों को गौण करो और उससे अपने संबंध जोड़ो। जागरूकता पूर्वक जियो। साधना के मार्ग में आत्मवान होने के लिए पहला लक्षण ही यही है, और वो है जागरूकता से अपने प्रत्येक कार्य को संपादित करना, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ। महावीर कहते हैं समिति और तुम सम्यक प्रवृत्ति करो, अर्थात जागरूकता पूर्वक अपने कार्यकलाप करो, और अगर गलती होने लग जाए उसमें तो गुप्ती अर्थात गोपन कर लो, नियंत्रण कर लो। भाई अपन सब इंसान है, गाली निकल सकती है मुंह से, अपन सब लोगों के मुंह से गाली निकल सकती है, ऐसा मत समझना कि अपन हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही एक दूसरे को गाली निकालते होंगे। अंग्रेजी में गालियां तो होती होंगी, क्यों जी है? अंग्रेजी में गालियां तो होती होंगी, इंसान तो वही है, गुस्सा तो वही है, मन तो वही है, स्वभाव तो वही है ना, सब प्राणियों का अपने अपने तरह की गालियां होती होंगी। तो गलती अपन सब लोगों से हो सकती है, अपन लोग जो जागरूकता पूर्वक जिएंगे समझेंगे हां गालियां अपन लोगों के भीतर है, मुझे इनसे मुक्त होना है, आसक्तियां हैं पर मुझे इन आसक्तियों से मुक्त होना है। जो भी चीज हो जीवन का, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस को प्लस समझो माइनस को माइनस समझो, अगर हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे माइनस से तो ये अपनी व्यक्तिगत कमजोरी कहलाएगी, पर जो माइनस है वो माइनस ही है। अगर कोई व्यक्ति में कोई दुर्गुण है और वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो उस दुर्गुण को अपने जीवन का प्लस समझे, माइनस माइनस ही है, हम मुक्त नहीं हो पाए, ये हमारी कमजोरी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां होती है और कमजोरियों पर उसे विजय प्राप्त करनी चाहिए और विजय प्राप्त कर लेना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। प्राप्त करनी चाहिए यह तो हो गया सिद्धांत, और प्राप्त कर ली यह हो गई विजय। तो प्राप्त करने में ही तो साधना को लगाना पड़ता है, साधक को तपना जपना खपना पड़ता है। कुछ लोग तपते हैं, भाई ये तो जीवन है। कोई व्यक्ति व्यापार में घुसता है, प्रवेश करता है, अब घाटा होगा या मुनाफा होगा ये बात की बात है, प्रयत्न करना इंसान के हाथ में है। कुछ फैक्ट्रियां खुलती हैं, उनमें से कुछ चलती हैं और कुछ फेल हो जाती हैं। ऐसे ही अपन लोग भी अपने लिए प्रयत्न करते हैं, कभी सफल हो जाते हैं कभी असफल हो जाते हैं, कभी सफल हो जाते हैं और कभी असफल हो जाया करते हैं। तो जागरूकता पहला मापदंड, आत्मवान होने का पहला तरीका जागरूकता पूर्वक जियो। पलक झपकाना, बैठना, सड़क पर चलना, खाना पीना। मैं एक चालू उदाहरण दे दिया करता हूं और वो है सेविंग करना, कि अगर अपन जागरूकता पूर्वक सेविंग करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे तो दाढ़ी अच्छी होगी है, या आंख बंद करके आधी नींद में आधी बेहोशी में सेविंग करेंगे तो अच्छी होगी, किसमें होगी जी है? अरे और छोड़ो ना भाई, अगर अपन खाना खा रहे हैं और भोजन करते वक्त अगर जागरूकता पूर्वक खाना ना खाया तो क्या होगा? गाल दांत के बीच में आ सकता है, दांतों के बीच में गाल आ सकते हैं। जागरूकता पूर्वक कार्य करना आत्मवान होने का पहला चरण है। तो जब हम जागकर जिएंगे तब ही हम धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे, समझेंगे क्या है संबंध, क्या हूं मैं, किन संबंधों को मुझे रखना है, किन संबंधों का मुझे त्याग कर देना है। आत्मवान होने का दूसरा चरण और वह है आत्मचिंतन। देखो कितने अच्छे शब्द हैं ये सारे, आत्म तत्व से ही जुड़े हैं। आत्मचिंतन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्महत्या, कहा है सब में आत्म शब्द जुड़ रहा है। आत्म यानी स्वयं, आत्मसम्मान यानी स्वयं का सम्मान, आत्मविश्वास यानी अपने आप पर भरोसा,
आत्महत्या यानी अपने आप को मारना। कुल मिलाकर हर चीज में आत्म तत्व जुड़ रहा है। तो मैंने कहा दूसरा चरण हो सकता है, वो है आत्मचिंतन, अर्थात बैठ करके चिंतन करो जीवन के बारे में, जगत के बारे में, जीवन के बारे में, जगत के बारे में चिंतन करो। देखो अभी अभी आपके भतीजा हुआ ना, है ना, देखो क्या है जन्म, कैसे होता है जन्म, मां की कोख में किस तरह से बालक का निर्माण होता है, देखो धैर्यपूर्वक समझो उसको। हो ऐसे ऐसे ये सब चीजें बनती है। अपन जिस शरीर के प्रति मोह करते हैं ना, ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ओ ये क्या है, कहां से आया है, और हम जब हम उसके आदि स्रोत पर जाएंगे तो लगेगा ओ कभी मां के पेट में था, ओ मां के पेट में इस तरह से खून से, मलमूत्र से, इन सब से अपन सब लोगों के शरीरों का निर्माण हुआ, उससे पहले क्या थे अपन, ओ तो अपन केवल पिता की या माता की एक बूंद भर थे, हैं? एक शुक्राणु भर थे, एक रज भर थे, ओ क्या है, अपनी शुरुआत कैसे है इस शरीर की, पवित्र वस्तुओं से है कि अपवित्र वस्तुओं से, किससे है, अपवित्र वस्तुओं से है? तो अब पवित्र वस्तुओं से हमारा शुभारंभ है, हमारी शुरुआत अब पवित्र स्थान से है, मल द्वार, मूत्र द्वार, इन्हें हम पवित्र स्थान कहेंगे कि अपवित्र स्थान कहेंगे, क्या कहेंगे, अपवित्र स्थान। तो हमारा जन्म कहां से है, मां के द्वार से है, मां के योनि द्वार से है, वो स्थान अपवित्र है, तो अपन लोगों का जन्म पवित्र है कि अपवित्र, अपवित्र, हमारा जन्म अपवित्र है। हो सकता है, देखिए हो सकता है कि अपन सभी प्राणी मात्र विषय भोग वासना इन सब से घिरे हुए होंगे, पर जब भी कोई पति पत्नी मिलते होंगे, नर मादा मिलते होंगे, तो एक तरह से अपवित्र संबंध ही तो होते हैं, हम उसे पवित्र कैसे कह सकते हैं, भले ही आप क्यों ना कह दें कि ये पति पत्नी के संबंध हैं, पर हम उस संबंध को पवित्र संबंध कैसे कह सकते हैं जिसमें आखिर मल द्वार मूत्र द्वार का अपन लोग उपयोग करते हैं। नहीं जीत पाए हम लोग अपने भोग वासनाओं को, ये अपन लोगों की व्यक्तिगत कमजोरी हो गई होगी, पर हम उसे पवित्रता की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, हम उसे पवित्रता की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, हम अपने जीवन की कमजोरियों को, अपने जीवन की विशेषता कैसे स्थापित कर सकते हैं। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति धैर्यपूर्वक समझेगा क्या है जन्म, क्या है मरण, क्या है भोग, क्या है उपभोग, भले ही मुंह में नमक ज्यादा आ जाए तो असहज लगता हो, कि सब्जी में फीकी रह गई हो तो मुंह में स्वाद असहज लगता हो, पर यह आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी न कभी तो धीरे 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 अनासक्ति की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे ये भाव उभरते चले जाएंगे। पहले एक आदमी के मुंह में जैसे ही सब्जी आई और नमक तेज था, आदमी झल्ला उठा, हा हू करने लग गया, पर जो जो हम आत्मचिंतन करेंगे सोचेंगे, ओ क्या है यार, इतना जायका ले लेके खा रहे हैं, सुबह सबका गोबर होना है, ठीक है यार, क्या है, सब होना तो वही है, सबका बनना तो वही है, क्रीम है, ठीक है यार, क्या है, थोड़ा फीका है, खा लेंगे। धीरे 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 हमारे भीतर समता आती चली जाएगी और विषमता कम होती चली जाएगी। तो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, तभी तो हमारे भीतर ये जो अनासक्ति आई है, ये जो समता आई है, जो शांति आई है, तभी तो आप आएगी, नहीं तो जीवन भर 80 वर्ष की उम्र आ जाएगी ना, तब भी अगर नमक कम आएगा तो माथा आंदोलित हो जाएगा, दिमाग असंतुलित हो जाएगा, आदमी गुस्सा करता रहेगा, तो आखिर हम कब तक गुस्सा करते रहेंगे। क्रोध अगर आ रहा है, यह हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है, हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है, पर हम करेंगे कब, आत्मचिंतन जब कोई व्यक्ति करेगा तब ही धीरे 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 हम लोग मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, अनासक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला है जागरूकता और दूसरा है आत्मचिंतन। प्रसिद्ध कहानी याद कर लो, और वो है राजा, याद कर लो, भूल गए, और वो है राजा भर्तृहरि की, राजा भर्तृहरि की, कि जिनके पास एक अमृत फल या आम्र फल लाकर के दिया जाता है, वो सोचते हैं
कि इस आम्र फल को या अमृत फल को खाने से मैं अत्यंत सुंदर हो जाऊंगा, पर मैं खाऊं उसकी बजाय अपनी रानी को दे दूं, वो भी धन्य हो जाएगी कि उसके प्रिय पति ने उसको एक अनमोल भेंट दी। तो राजा पत्नी के प्रति मूर्छित, पत्नी महावत से जुड़ी हुई, रानी महावत से जुड़ी हुई, उसने वो फल ले जाकर दे दिया महावत को। महावत जुड़ा हुआ है किसी वेश्या से, उसने वेश्या को ले जाकर दे दिया। वेश्या ने सोचा, अरे मैं पापिनी खा करके क्या करूंगी, सुंदर होकर के भी क्या करूंगी, और ज्यादा पाप इकट्ठे करूंगी, ये तो मैं अपने नैतिक न्यायप्रिय लोकप्रिय राजा को समर्पित करती हूं। और तब वो फल गुम घुमा करके वापस राजा के पास लौट कर आ जाता है, और तब ये प्रसिद्ध वचन दुनिया में स्थापित होता है कि याम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता, अरे जिसके बारे में मैं रात दिन इतना चिंतन करता था, मुझे क्या पता वो मुझसे इतनी विरक्त है, मुझे क्या पता कि वो मुझसे इतनी विरक्त है, वो कहीं और लगी हुई है, मुझे क्या पता। तो चिंतन, चिंतन करो तो परिणाम तक पहुंचोगे, चिंतन करोगे तो परिणाम तक पहुंचोगे। आत्म तत्व के बारे में चिंतन करो, आत्मा को मानोगे तो पहला शुभ परिणाम यह होगा कि हम लोग बुराई करने से बचेंगे, गलत काम करने से हम बचेंगे, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाएगा कि बुरा करेंगे तो वापस अगला बुरा फल हमें मिलेगा। आत्म तत्व को ही नहीं मानेंगे तो पाप पुण्य को कैसे स्वीकार करेंगे, पाप पुण्य को नहीं मानेंगे तो स्वर्ग नरक को कौन मानेगा, और स्वर्ग नरक को नहीं मानेंगे तो कौन आदमी बुराई से बचना चाहेगा और भलाई करना चाहेगा। आत्मा मूल केंद्र है इंसान को बुराइयों से बचाने के लिए। चिंतन करो, आत्म तत्व के बारे में चिंतन करो, क्या है शरीर, क्या है चेतना, क्या हूं मैं, क्या है वो, क्या है पति, क्या है पत्नी। धीरे धीरे चिंतन करते करते ऐसा आ जाएगा स्वरूप कि पति पत्नी साथ रहेंगे फिर भी संभव है, लेकिन ठीक है, एक संयोग था, आपस में बंध गए, संयोग वापस बिखर जाएगा। मृत्यु वैसे भी सबके संयोगों को बिखेर देती है, तो मृत्यु आकर के हमारे संयोगों को बिखेरे क्यों ना, उससे पहले हम लोग अनासक्त हो जाए। तो जागरूकता पूर्वक जियो, आत्मचिंतन करो, मोक्ष अपने भीतर प्रकट करो, अपने भीतर मोक्ष, मोक्ष की इच्छा कि मुझे मुक्त होना है, ये जो तमन्ना है, ये जो अभिलाय है, ये अपने भीतर प्रकट करो। तो जागरूकता को हम पहला चरण बना सकते हैं, आत्मचिंतन को दूसरा चरण बना सकते हैं, और मुमुक्षा को तीसरा चरण बना सकते हैं कि हमारे भीतर अब एक ही तमन्ना है, अब हम पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरण से नहीं गुजरेंगे। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये बहुत हो गया जन्म मरण, जन्म मरण की जो धारा है ये बहुत होती चली।